नाउ स्टूडेंट्स, आए इस टॉपिक को मैं एक स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल का सीईओ था 2011 तक, उसकी एक बड़ी मशहूर सेइंग है, बड़ी मशहूर कोट है, उससे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इट डजंट मेक सेंस टू हायर स्मार्ट पीपल एंड देन टेल देम व्हाट टू डू। वी हायर स्मार्ट पीपल सो दे कैन टेल अस व्हाट टू डू। आसान लफ्जों में, जब कोई कंपनी किसी रिसोर्स को हायर करती है, डेवलपर को हायर करती है, प्रोजेक्ट मैनेजर को इस केस में हायर करती है, तो वो इसलिए हायर नहीं करती कि कंपनी बताए कि उसने क्या करना है। हम स्मार्ट लोगों को इसलिए हायर करते हैं कि वो हमें बताएं कि सही काम करने का तरीका क्या है। नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम द गाय हु वाज रनिंग एप्पल, एंड एप्पल इज आजकल एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इसके बारे में प्रेडिक्शन है कि ये हो सकते हैं पहली कंपनी हो जो कि $1 trillion की उसकी वैल्यू हो आने वाले सालों में प्रॉबेबली। सो ये वो बंदा कह रहा है कि हम बंदों को इससे नहीं हायर करते, यानी स्मार्ट बंदों को इससे नहीं हायर करते कि हम उन्हें बताएं कि कंपनी कैसे रन करनी है। हम इसलिए हायर करते हैं कि वो हमें बताएं कि काम करने का सही तरीका क्या है। नाउ दिस विल टेल यू द होल फिलॉसफी। अब इसी आइडिया को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं आपको एक लाइफ यानी एक्चुअल एग्जांपल बताता हूँ, एंड इट कम फ्रॉम नथिंग फ्रॉम गूगल। नाउ मुझे और आपको पता है कि हाउ बिग एंड हाउ फेमस गूगल इज। अब जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, यानी आप यूँ समझें कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन आजकल हमारे और इंटरनेशनल इकोसिस्टम में बहुत चल रहा है कि जी टेक्नोलॉजी एक चीज़ है और मैनेजमेंट एक चीज़ है। आसान लफ्जों में कि अगर डेवलपर मैनेजमेंट में चला गया है तो ही और शी इज नॉट टेक्निकल, क्योंकि जो मैनेजमेंट है इट उसका मतलब यह है कि इट इज अबाउट ट्रस्ट, इट इज अबाउट डेलीगेशन। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया है और उसे मैंने कोई काम दिया है, तो मुझे उस पे ट्रस्ट करना है उस टाइम तक जब तक जो टाइम मैंने उसे दिया है एक पर्टिकुलर काम करने का। नाउ ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी आसान है सुनने में एंड इट लुक वेरी इजी, लेकिन दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया है, मैंने अगर उसको अपने क्लाइंट का कोई काम करने को दिया है, तो मैं एक्चुअली उस बंदे पर ट्रस्ट कर रहा हूं, उसके दिए हुए टाइमलाइंस पे, उस पे दिए हुए डेडलाइंस पे मैं ट्रस्ट करके अपने क्लाइंट को बता रहा हूं कि एक्स डेट को तुम्हें ये काम मिल जाएगा। अब अमूमन क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आसान लफ्जों में माइक्रो मैनेजमेंट, यानी आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, हर 10 मिनट के बाद या हर घंटे बाद उसको बुला के पूछो काम का क्या हुआ क्या हुआ। दिस विल क्रिएट अनॉइंस एंड मिसट्रस्ट। सो द एग्जाम्पल कम फ्रॉम गूगल। गूगल का जो चेयरमैन या सीईओ कह लें या को फाउंडर लैरी पेज, उसकी उम्र उसका 22 साल थी जब उसने गूगल क्रिएट किया था। ही वॉज वेरी यंग, ही डायरेक्टली ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड ही क्रिएटेड दिस कंपनी। फास्ट फॉरवर्ड 22 ईयर की एज में उसने गूगल क्रिएट कर लिया, पेज रैंकिंग एल्गोरिथम आ गया एंड सो ऑन। आफ्टर 6 ईयर्स एट द एज ऑफ 28, वन गुड डे ही जस्ट फायर्ड ऑल द मैनेजमेंट लेयर, यानी इंजीनियर्स मौजूद थे, ही जस्ट फायर द मैनेजमेंट लेयर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, सारी मैनेजमेंट लेयर ही उसने वन गो में फायर कर दी। रीजन बड़ा उसका इंटरेस्टिंग था और ये आज तक होल्ड करता। रीजन ये था कि क्योंकि लोग ज्यादा हैं, ऑब्वियसली कंपनी स्केल कर गई थी, जब लोग ज्यादा हैं तो मैनेजर्स की वजह से जो वो काम करना चाह रहा है जिस स्पीड से लैरी पेज, उस स्पीड से नहीं हो पा रहा। रीजन जो मैनेजर्स हैं वो डिले कॉज कर रहे हैं, बिकॉज जब याद रखें जब मैनेजमेंट लेयर बीच में आएगी तो मैनेजमेंट लेयर बात कर रही होती है डेवलपर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एंड सो ऑन, सीईओज नहीं कर रहे होते, क्योंकि अब डायरेक्ट बात नहीं हो रही सीईओज की और इंजीनियर्स की। तो ये इनहेरेंट यानी बिल्ट इन एक आपके पास एक चीज आ जाती है, क्योंकि मैनेजर्स बीच में आ गए हैं तो उसकी वजह से काम डिले हो रहा है। अब यहां पे, और दिस इज कमिंग फ्रॉम गूगल। उसके बाद एक बंदा था एरिक शमिट,
ڈاکٹر ایرک شمٹ ہی جمپس ان. وہ کیسے آیا, وہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے. ہی جمپس ان اینڈ ہی کنوینس لیری پیج دیٹ ہی از ڈوئنگ, ہی ہیز ڈن اے ڈیزاسٹرس, یعنی ایک بہت غلط ڈیسیژن ہو گیا. یو کانٹ رن اے کمپنی لائک دس. سو آفٹر کپل آف منتھس گوگل ری ہائر آل دوز پروجیکٹ مینیجرس. سمپل ون لائنر آرگومنٹ, جو ڈیولپرز ہیں آپ ان کو آٹومیٹکلی خود سے آرگنائز نہیں کر سکتے. مطلب ایک کانسیپٹ آج کل بہت زیادہ ہے فیمس, ایجائل, وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے تھوڑی دیر بعد. اس کا مطلب قطع نہیں ہے کہ لوگ خود سے کام کرنا شروع کر دیں بتائے بغیر. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیٹ از اراؤنڈ 2004, یعنی آج سے کوئی 14 سال پہلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسئلہ, اینڈ اٹ از کمنگ فرام گوگل. تو مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی مینجمنٹ, دیز آر ناٹ ڈفرینٹ تھنگس. جو گوگل پہ روٹ کاز نکلا تھا اس پورے ایپیسوڈ کا, اینڈ دس ایپیسوڈ واز ویری فیمس. یہ ریفرنس یو آر بی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یو کین آئی سجیسٹ یو گو اینڈ ریڈ دا ہول اسٹوری. یہ وہ کمپنی ہے جو دو بندوں سے اسکیل کر کے ہزاروں امپلائیز پہ گئی ہے. روٹ کاز یہ تھا کہ جو پروجیکٹ مینیجرس پہلے گوگل میں ہائر ہوئے ہوئے تھے, دے ور فرام بزنس بیک گراؤنڈ, یعنی دا پروجیکٹ مینیجرز ور ناٹ ٹیکیز. وہ ٹیکنیکل پروجیکٹ مینیجرز نہیں تھے, وہ بزنس بیک گراؤنڈ کے تھے. تو واٹ دے ڈڈ واز کہ اب انہوں نے پروجیکٹ مینیجرز, انجینئرنگ مینیجرز, ڈیولپرس یا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے ہائر کرنا شروع کیے ڈاکٹر ایرک شمٹ نے. لیکن اسٹل یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں یا آپ کو, یعنی جب کمپنی گرو کرتی ہے تو دو چیزیں جو مینجمنٹ ہے اس کو سمجھنی ہے کہ دے ول بی اے تھرڈ لیئر جس پہ آپ کو ٹرسٹ یا ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا, ہو ایکچولی ول بی رننگ دا شو, ہو ایکچولی ول بی رننگ دا کمپنی. یا جو کمپنی کا ویژن ہے وہ مینجمنٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے, کبھی بھی ہائر مینجمنٹ خود جمپ ان نہیں کرتی. تو یہ ایکچولی, یعنی ٹیکنالوجی کی مینجمنٹ اور مینجمنٹ, یہ ایکچولی انٹرلنک کانسیپٹ ہے. آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ٹیکنالوجی دیکھے گا, یہ بندہ مینجمنٹ دیکھے گا, ایسا نہیں ہوتا. بوتھ انوالو ٹرسٹ اینڈ بوتھ انوالو ڈیلیگیشن. ادروائز آئی نو اے لاٹ آف کمپنیز لوکلی جو کہ اس پیورلی اس ایشو کی وجہ سے دے آر ان کیاس, کیونکہ دے ایزیوم کہ لوگ خود سے صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وچ از ایکچولی رانگ.